हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी एजुकेशन पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेशल यूपी पुलिस के लिए 40 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो 17 से 18 तारीख के पेपर में यूपी पुलिस में बहुत ही रामबाण बन सकते हैं। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ 40 अंतिम प्रहार यूपी पुलिस का 17 से 18 तारीख के पेपर में। चलो दोस्तों, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर पहला, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? राइट आंसर कमेंट में बताएं दोस्तों। अगर आप लोगों पर राइट आंसर क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट में बता दिया करो पहले ही। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाअधिवक्ता। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, पहले भारतीय राज्य के नाम बताइए जिसकी प्रत्येक परिवार में कम एक सदस्य के पास बैंक खाता होता था। कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता होता था। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, उसे वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र के शरीर के बाहर ले जाती है। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से सी मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उरेटर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11 नवंबर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी पारित किया गया। राइट आंसर कमेंट बता दिया करो दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 101वें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छः, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महोबा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सात, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर 7.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्र कहाँ जाता था? दोस्तों छठी शताब्दी के ईसा पूर्व में मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? या दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुरसेन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नौ, निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मनादस्ता के लिए जाना जाता था? बोलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रहीम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर कमेंट में बता दोस्तों इसका, जल्दी से जल्दी। जी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीर सैयद, मीर सैयद। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था? बोलिए दोस्तों इसका राइट आंसर। जी दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुस्तरी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा था या है? बोलिए जी दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मघाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और गहरा नदी बन जाती है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शारदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? बताइए दोस्तों किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? ये दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम को पीला केक भी कहते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का है, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। ये दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विनीत जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत के दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। ये दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाम मुस्तफा खान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पश्चात सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? बताइए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? बताइए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? सिलोन। दोस्तों इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था पहले। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 1869 में किस नहर के खुलने से भारत
से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई? बताइए दोस्तों राइट आंसर, किस नहर को खुलने से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वेज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन थे? बताइए दोस्तों राइट आंसर, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, आंग सान सू की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से ई कॉमर्स कंपनी ने कड़ी उत्पादन की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? बताइए दोस्तों राइट आंसर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों किस पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन नंबर बी, स्नैपडील। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, किस में से एक वैज्ञानिक होने के साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों राइट आंसर, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन आर नारायण मूर्ति। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी दिवस हैं सभी दिवस याद होने चाहिए दोस्तों, इसमें से दो नंबर पक्के होते हैं, दिवस का एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसता है दोस्तों। ये दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नेशनल स्टॉक एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। अगर आप लोगों ने अभी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसी आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहले पहुंच जाए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोटे अनाजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, एक रंग बिरंगी और एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है, बताइए दोस्तों कौन सा त्यौहार है? दोस्तों इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, नौचंदी मेला। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, बताइए दोस्तों कौन सी अनुसूची? बताइए। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों जीएस के प्रश्न, इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है वायुयान के टायरों में हीलियम, ऑप्शन नंबर डी, हीलियम गैस भरी जाती है, हीलियम वायुयान के टायरों तभी वो उड़ पाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, बताइए दोस्तों रेटिना पर बना प्रतिबिंब किसका होता है? बताइए दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक व उल्टा होता है रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, कागज से क्या बनता है? बताइए दोस्तों कागज से क्या बनता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर सी, कागज से सेल्यूलोज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? बताइए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, दूध का घनत्व निम्न उपकरण के द्वारा मापा जाता है? बताइए दोस्तों दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, अवांछित पेड़ पौधे को निकालने वाली प्रक्रिया को कहते हैं? बताइए दोस्तों अवांछित पेड़ पौधे को निकालने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों जी दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, खरपतवार कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, विटामिन सी का रासायनिक नाम? दोस्तों जितनी भी रासायनिक नाम वैज्ञानिक नाम है वो सभी को याद करके जाना दोस्तों, इनमें से एक से दो क्वेश्चन पूछते हैं, दो एक से दो क्वेश्चन। ये दोस्तों इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी, स्कॉर्बिक अम्ल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? बताइए दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राणवायु उत्कृष्ट गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39, हर रोशनी में रखा एक लाल रिबन कैसा दिखाई देता है? बताइए दोस्तों हरे रोशनी में रखा दोस्तों ये हरे, हरे हरे रोशनी में रखा एक लाल रिबन कैसा दिखाई देगा? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ क्लास समाप्त होती है। अगर आप लोगों ने अभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भेज दूंगा और यहाँ पर क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और आप लोगों ने भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, इम्पोर्टेंट क्लास है इसको मिस ना करें। और अभी बेल आइकॉन नहीं दबाया तो बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाया करें। चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, आप जय हिंद, वंदे मातरम।